Today we will discuss about two different topics. One is demonstrate various pre-treatment process requirement for the cotton woolen fabric, and second one explain the use of NaCl, NaOH, HCl, H2O2 and analysis in various dyeing and pre-treatment processes. जो तरीका या जो मेथड हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो मेथड उसकी जो फैब्रिक होता है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। और जो कॉटन है ना, कॉटन की जो नेचर है वो सिल्क या दूसरे जो भी फैब्रिक्स वगैरह होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है इम्प्योरिटी ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक में किस तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है कि इम्प्योरिटी जो होती हैं डस्ट हो गई, ऑयल स्टेन हो गई, साइज हो गई, ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये कॉटन फैब्रिक में हो सकती है। ये जो डस्ट है ये कहाँ से आती है, ये जो जब फैब्रिक बन रहा होता है लूम में वहाँ पे इर्द गिर्द डस्ट उड़ रही होती है, वो सीधी आके फैब्रिक के ऊपर अटैच हो जाती है। और उसके बाद है ऑयल स्टेन। ऑयल स्टेन किधर से आती है, ये तो सरासर नहीं आनी चाहिए, ये वर्कर की लापरवाही का नतीजा होता है जिसकी वजह से जो लूम होती है फैब्रिक होता है उसके ऊपर ऑयल स्ट्रेन आ जाती है। जब वो मशीन को तेल दे रहे होते हैं या फिर उसको दे देते हैं तेल, उसके बाद जो मशीन के ऊपर तेल लगा होता है वो उन्हें साफ कर देना चाहिए मगर वो साफ नहीं करते, जिसकी वजह से फैब्रिक के ऊपर ऑयल लग जाता है। उसके बाद साइज की जो होती है, साइज में किस तरह प्रॉब्लम आती है, इम्प्योरिटी कैसे आती है, जब हमारे पास वेफ्ट बार बन रहे होते हैं तो धागा टूट जाता है या उसके एंड ज़्यादा निकल आते हैं, इस तरह के कोई भी इशू आ जाता है जिसकी वजह से उसका साइज में भी इम्प्योरिटी आ जाती है। उसके बाद होते हैं हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। टू रिमूव नेचुरल एंड एडिड इम्प्योरिटी, नेचुरल एंड इन नेचुरल जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करना है प्री ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है टू इम्प्रूव सर्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाटर एब्जॉर्बेंसी, जो इसकी वाटर एब्जॉर्बेंसी है उसको ऑब्टेन करना है, यानी कि इसके प्री ट्रीटमेंट से उस पर जो भी केमिकल वगैरह अप्लाई करना है उससे जो आपको रिक्वायरमेंट आया आपकी वाटर एब्जॉर्ब होना चाहिए उतना वाटर एब्जॉर्बेंसी इसकी करना है। टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक की अपीयरेंस को अच्छा बनाना है, वाइटनेस उसकी लानी, शाइननेस उसकी लानी है। टू मेक इट सुइटेबल फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस लाइक डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग ईटीसी, ये जो है इसको सुइटेबल बनाना है ताकि इसको हम इजीली डाई कर सकें, प्रिंट कर सकें। अगर हमारे पास ये वाइटनेस नहीं होगा, ऊपर धब्बे होंगे या जो भी ऑयल स्टेन वगैरह के दाग वगैरह होंगे, उसकी वजह से ये नुकसान हमें होगा कि जब हम उसके ऊपर डाई या प्रिंट करेंगे तो बीच में वहाँ पे जहाँ पे हमें स्पॉट मिल रहे वहाँ से जो दाग वगैरह है वहाँ पे हमें डार्क स्पॉट नजर आना शुरू हो जाएंगे या फिर प्रिंटिंग में थोड़ी सी यानी कि डिज़ाइन जब होगा वहाँ पे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वहाँ पे दाग होगा। रिमूव इम्प्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट विद मिनिमम एफर्ट ऑफ फैब्रिक स्ट्रेंथ। इन केस ऑफ कॉटन फॉलोइंग केमिकल आर इन्वॉल्व वाइल रिमूविंग इम्प्योरिटी, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन के जरिए हम इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। इस तरीके से हम मैक्सिमम एक्सटेंट को मिनिमम एफर्ट के साथ रिमूव कर सकते हैं और हमारी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम लॉस होता है क्योंकि जब हम केमिकल अप्लाई करते हैं फैब्रिक में डैमेज तो उसमें होना ही है मगर हम इन दो केमिकल्स के जरिए मिनिमम स्ट्रेंथ रिमूव करके अपनी इम्प्योरिटीज रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद है स्टेप्स इन प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ कॉटन वुवन फैब्रिक। इसके जो मेजर स्टेप हैं, मेजर स्टेप्स इन्वॉल्विंग टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट आर, ये मेजर स्टेप मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं। डिसाइजिंग है पहले नंबर पे, फिर है वॉशिंग, फिर है स्क्रबिंग, उसके बाद है ब्लीचिंग। हमें इन सब को बारी बारी जो है डिस्कस करेंगे तो चलिए हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है डिसाइजिंग। डिसाइजिंग में क्या है, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस के जरिए रिमूविंग कलरिंग मटीरियल, स्टार्च, डस्ट, इस तरह के मटेरियल को रिमूव करना होता है। रिमूव कैसे करना है, ये बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज लगाई गई होती हैं, इसके जरिए इसमें से
हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन वगैरह का प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के साथ साथ इसमें जो इम्प्योरिटीज, सच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, स्टार्च एंड डस्ट टाइप की इम्प्योरिटीज हैं, कलरिंग मटेरियल है, वो सारा इसमें रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद वॉशिंग है, जो स्क्रबिंग है ना उसके मेथड को मस्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले जो उसके हमारे पास फैब्रिक या फाइबर जो भी चीज़ है, हम इस वक्त फैब्रिक की बात करेंगे, फैब्रिक है, उसे अगर हमने स्क्रबिंग करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम सबसे पहले फैब्रिक को वॉश करें। फैब्रिक जब हम वॉश करेंगे उसके बाद उसे स्क्रबिंग के प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। और वॉशिंग का क्या तरीका है, एक दफ़ा गर्म पानी से वॉश करना है, वंस हॉट वाटर ट्वाइस कोल्ड वाटर, यानी एक दफ़ा गर्म पानी से पहले धोएंगे, उसके बाद हम दो दफ़ा ठंडे पानी से अपने जो फैब्रिक है जिसकी हमने इम्प्योरिटीज इसमें से रिमूव करनी है, जिसकी स्क्रबिंग करनी है, उसे वॉश करेंगे। स्क्रबिंग की मेजर बात यह है कि स्क्रबिंग कंटेन अल्कलाइन कंडीशंस एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे अल्कलाइन कंडीशन को कंटेन करती है, रिमूव नेचुरल इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज में जो होता है फैट, वैक्स, पैक्टिक सब्सटेंस, प्रोटीन, सीड, कोट, ऑयल स्टेन, ये इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ होती है ये इसको रिमूव करती है, ये सारी हैं नेचुरल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या जाता है, इम्प्रूव वाइटनेस ऑफ फैब्रिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो फैब्रिक होता है इसके बीच में जो कलर्ड मटेरियल होता है या जो भी चीज़ है इसमें दाग वगैरह होते हैं, इसको रिमूव करना है। रिमूव करेंगे तो उसके बीच में ऑलरेडी वाइट चीज़ ही बचेगी, यानी इसके उसकी वाइटनेस जो है इम्प्रूव हो जाएगी, उसके जो कलर्ड मटेरियल वगैरह वो सारे रिमूव हो जाएंगे। और ब्राइटनेस का मतलब ये है कि जब हम उसे डाई या प्रिंट करते हैं उसके बाद उसमें शाइननेस लाना है इसमें, यानी कि कह लो कि देख के लगे कि इसमें जान आ गई, कपड़े में जान आ गई, इस तरह का कह लो कि होना चाहिए कि आंखों को छूने वाली उसकी चीज़ स्किन बनानी है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 जो था, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ NaCl, NaOH, HCl, H2O2 एंड एनालिसिस इन वेरियस डाइंग एंड प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो चलिए अब हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यूज ऑफ NaCl आ जाता है। NaCl एक्ट एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है टू प्रमोट डाइंग प्रोसेस ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक का जो डाइंग प्रोसेस है इसे प्रमोट करता है। इट कंटेन मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ डाइंग मॉलिक्यूल ड्यूरिंग डाइंग प्रोसेस इन टेक्सटाइल। NaCl एक्ट एज डाइंग प्रमोटर इन ट्रेडिशनल कॉटन फैब्रिक डाइंग विद रिएक्टिव डाइज। इट कंटेन मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ डाइंग मॉलिक्यूल, ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये पॉइंट पहला जो है ये थोड़ी समझने की ज़रूरत है, ये प्रमोटर इन ट्रेडिशनल कॉटन फैब्रिक के तौर पर ये वर्क करता है ताकि इसका जो रिएक्टिव डाइंग है उसमें हेल्पफुल हो और ये इसमें से मैक्सिमम एक्सेलेरेशन वगैरह होती है, तो इसलिए NaCl को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है NaOH, NaOH का यूज है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस श्रिंकेज। NaOH का मेन जो फंक्शन है वो कॉटन या फैब्रिक है उसकी जो श्रिंकेज हो जाती है उसे रिड्यूस करता है, ताकि जब हमारे पास फैब्रिक जो प्रोड्यूस हो चुका होता है, हमारे पास डाई वगैरह जो भी है सब कुछ हो चुका है, उसके बाद जब हम उसे वॉश करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। NaOH का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जितना कम श्रिंक होगा उतना हमारे फैब्रिक मिलेगा, ठीक है। अगर फैब्रिक ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा कपड़ा तो थोड़ा सा रह जाएगा ना, वो फिर जब हम सेल करेंगे तो वो फिर मार्केट में उसकी मांग कम हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम NaOH का यूज़ करते हैं। और साथ में इसका मेन फंक्शन ये भी है, ये pH लेवल को कंट्रोल करता है। pH लेवल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है फैब्रिक के लिए, ताकि जो उसके ऊपर इफेक्ट वगैरह टेम्परेचर के इफेक्ट हैं वो इतने ना आए। फैब्रिक यूजली मर्सराइज अंडर द टेंशन टू रिड्यूस श्रिंकेज, इट कंटेन टू कंट्रोल pH लेवल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट पे यूज ऑफ HCl। HCl के यूज में क्या है, इसके पास एक छोटा सा फंक्शन है, इट इज यूज टू मैनीफ्लाइज ऑफ वुवन फैब्रिक। ज़्यादा इसका फंक्शन नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके H2O2 का क्या काम है, ये जो ब्लीचिंग है इसके प्रोसेस में हेल्प करता है। डीक्लोराइजेशन ऑफ रिएक्टिंग डाइंग, इसके लिए हेल्प करता है।
ब्लीचिंग में ये हेल्प ऐसे करता है कि जब ब्लीचिंग की जाती है तो वो वाइटनेस जो हमने अचीव करनी होती है, जो आपको मैंने पहले बताया, ब्राइटनेस जो इंक्रीज करता है, तो ये क्या करता है कि इसको वाइटनेस प्रोवाइड करता है, इसका एज अ कैटलिस्ट इसका रिएक्शन तेज कराता है, वाइटनेस इसकी इम्प्रूव करा देता है। इसके साथ साथ